Hello, good morning students. How are you? Fine. I am going to teach your subject Gujarati Standard 2nd. Now open your workbook. Page number 27. Which page number? Page number 27. Previous lecture में हमने हमारा page number 26 का complete किया था. Okay. Page number 26 तक हमने complete किया था. क्या था page number 26 में हमारा? कौन सी pictures दी गई थी? पैसा और गवैया. कौन सी? पैसा और गवैया. ठीक है, ये वाली पिक्चर दी गई थी. एक बार हम रिवीजन देख लेते हैं कहाँ से हमने क्या किया था. लास्ट पीरियड में हमने अई की मात्रा वाली वर्ड्स चालू किए थे. कौन सी? अई की मात्रा वाले वर्ड्स चालू किए थे. पेज नंबर 24 से फर्स्ट पिक्चर, उसमें क्या था कि सी द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स एंड राइट देम. पिक्चर देखना है और वो शब्द हमको पढ़ के लिखना है. ठीक है, तो पेज नंबर 24 पे कौन सा पिक्चर था? फर्स्ट वैद. कौन सा? वैद. वैद मतलब डॉक्टर. ठीक है, उसके बाद कौन सा था? पपैया. कौन सा? पपैया मतलब एक फ्रूट का नेम दिया गया है, पपैया. इतना हो जाने के बाद ये इसके नीचे जो एक्सरसाइज है वहाँ से हमारी अई की मात्रा वाली बाराक्षरी चालू हुई. कौन सी बच्चों? अई की मात्रा वाली बाराक्षरी चालू हुई थी. ठीक है, क्या था फर्स्ट? देखो मैं रीड कर रही हूँ, सबका ध्यान अपनी वर्क बुक के अंदर होना चाहिए. क्या था? कई खई गई गई. ओके, कई को दो मात्रा लगी तो क्या हुआ? कई. फिर खई. फिर ये क्या है? गई. फिर गई. उसके बाद छ को दो मात्रा लगी तो चई. छ को छई, ज को जई और ये वाले ज को जई. ठीक है, इन सब पे जो दो मात्रा लगी वो क्या है? हमारी आई की मात्रा दी हुई है. ठीक, पेज नंबर 25 पे कौन सी पिक्चर थी? मदर. क्या है ये? मैया मतलब मदर. ठीक है, इसके बाद ये कौन सी पिक्चर है? सैनिक मतलब सोल्जर, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं वो सैनिक है. ठीक है, कौन सी थी फर्स्ट? मैया मतलब मम्मी. फिर सैनिक मतलब सोल्जर. ठीक है, इतना हो जाने के बाद फिर हमने यहाँ पे ज तक देखा था. उसके बाद यहाँ पे ट को दो मात्रा लगी तो बना कई खई डई दई. ओके, त ख द ध, इन दोनों पे इन सब पे कई की मात्रा लगी तो क्या हुआ? कई खई डई दई. ठीक है, इसके बाद कहाँ? अण है. अण को दो मात्रा लगी तो क्या हुआ? अण है. तई खई दई. ठीक है, इतना हो जाने के बाद हमने पेज नंबर 26 होमवर्क में दिया था. वो पिक्चर फर्स्ट कौन सी है? पैसा. क्या है? पैसा मतलब मनी. इसके बाद ये क्या है? लोग गीत गाते हैं, सिंगर, गवैया. क्या है? गवैया. ठीक है, ये दो मैंने, ये एक पेज मैंने आपको होमवर्क में दिया था. पैसा आई होप आप सबने ये गलत पढ़ दिया होगा अपनी वर्कबुक के अंदर. फर्स्ट क्या, कौन सी पिक्चर है? पैसा. कौन सी पिक्चर है स्टूडेंट्स? पैसा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैसा दो कॉलम में. इसके बाद ये क्या है? गाना गा रहा है. क्या गा रहा है? गाना. तो ये कौन है? गवैया. कौन है? गवैया मतलब सिंगर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे गवैया. इसके बाद जो हमारी बाराक्षरी चल रही है, गई नई पई पई. द को दो मात्रा लगी तो हुआ दई. न को नई. प को दो मात्रा लगी तो हुआ पई. प को दो मात्रा लगी तो हुआ पई. ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे हैं वो आई की मात्रा वाले वर्ड्स चाहिए. कौन से? आई की मात्रा वाले दो अक्षर के वर्ड्स. फर्स्ट कौन सा था? देव, चैत्र, मैत्री, तेरी और छैया. ओके, कौन सा था? देव मतलब भगवान, चैत्र, मैत्री, तेरी और छैया. ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था हमारा होमवर्क और क्लास वर्क. अब आज का जो हमारा क्लास वर्क है कौन सा है? पेज नंबर सॉरी स्टेप नंबर 11. क्लास वर्क स्टेप नंबर 11 जो हमारा चल रहा है, अई की मात्रा. कौन सी? अई की मात्रा, वो हमारा चल रहा है. पेज नंबर 27 में ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो आप सबको दिख रही है ना. कौन सी पिक्चर दी गई है? ये व्हील है. क्या है? व्हील. व्हील मतलब पहिए, जो हमारे व्हील लगे हुए होते हैं ना साइकिल के अंदर, जो लगे हुए होते हैं व्हील के, लो लाली में लगे हुए होते हैं मोटरसाइकिल में,
वो सब क्या है? वी है, क्या है? वी। तो उसको गुजराती में क्या पढ़ेंगे? पैयू। क्या पढ़ेंगे? पैयू। क्यों? क्योंकि प को ऐ की दो मात्रा लगी तो क्या हुआ? पै। क्या हुआ? प को दो मात्रा लगी तो हुआ पै। ठीक है, क्या हुआ स्टूडेंट्स? प को दो मात्रा लगी तो हुआ पै। ठीक है, और जो पिक्चर दी गई है वो हमको कौन सी दी गई है? वी। क्या दिया गया है? वी। वी तो हम सबने देखा है, हमारे साइकिल के अंदर होता है, फिर हम वेजिटेबल से लेने जाते हैं तो वो लारी के अंदर भी लगा हुआ होता है वी, मोटरसाइकिल में है, रिक्शा में है, क्योंकि ये वी होगा तो ही गाड़ी आगे चलेगी ना, वी के बिना गाड़ी कैसे आगे चलेगी? इसके लिए सब गाड़ी में वी होता ही है, वी होगा तो ही गाड़ी हमारी रोड पे चलेगी वरना नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? वी। प को अल की मात्रा लगी तो हुआ पई, और पूरा वर्ष क्या है? पैयू। क्या है? पैयू। ठीक है, फिर सेकंड पिक्चर देखो, ये क्या है? ये स्विमिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? स्विमिंग। ये क्या है? स्विमर। हम इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? स्विमर। गुजराती में तैरा। क्या बोलेंगे? तैरा। त को अल की मात्रा लगी तो हुआ तई, और पूरा वर्ष तैरा। क्या हुआ? पूरा वर्ष तैरा, जो स्विमिंग पूल में तैरते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्विमर। ठीक है ना, इसी तरह से हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट पिक्चर हमारी पैयू, हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, प के ऊपर ही दो मात्रा आनी चाहिए कंप्लीट, ऐसे इस तरह से नहीं लिखना है, एक मात्रा यहाँ पे, एक मात्रा यहाँ पे, ऐसे नहीं। ठीक है, ये जैसे ये प दिया गया है उसके ऊपर ही ये दोनों मात्रा आनी चाहिए, दोनों मात्राएं। ठीक है, क्या है? पैयू। क्या है? पैयू। फिर इसी तरह से फिर से लिखेंगे पैयू, फिर से लिखेंगे पैयू। ठीक है, हमको हमारी वर्कबुक के अंदर टू कॉलम दी गई है, दोनों हमको फिलअप करनी है। ठीक, सेकंड पिक्चर कौन सी है? स्विमर। कौन सी पिक्चर है? स्विमर। स्विमर मतलब जो तैरते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्विमर। और गुजराती में तेरा क्या बोलते हैं? तैरा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे तैरा, फिर से लिखेंगे तैरा। ओके, इसके बाद फिर से लिखेंगे तैरा। ये जो दोनों मात्रा है वो ट के ऊपर आनी चाहिए, समझ में आया? ट को दो मात्रा लगी तो हुआ तई, पूरा वर्ष क्या हुआ? तैरा। उसके बाद जो हमारे जो नीचे कॉलम दी गई है वर्कबुक के अंदर वो दोनों फिलअप करनी है, तैरा तैरा तैरा। ओके, फिर से देखो, फर्स्ट पिक्चर हमको दी गई है पैयू मतलब भी हमने यहाँ पे लिखा हमारी वर्कबुक के अंदर। फिर सेकंड स्विमर, स्विमर मतलब तैरा, जो तैरते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्विमर बोलते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिखा तैरा। ठीक है, इसके बाद जो हमारी बारह चिड़ी है वो कंटिन्यू है, हमने यहाँ पे प तक देखा देखा था ना, प तक। प के बाद क्या आता है? ब। ब को दो मात्रा लगी तो क्या हुआ? बई। ई बई। ई ये मई। ई ये नई। ओके, समझ में आया? प तक देखा था, प के बाद ब ब म य। क्या आता है प के बाद? ब ब म य। तो हमको इसको पढ़ना कैसा है? ब को अल की मात्रा लगी तो हुआ बली, बली मणि यही। फिर से बली, बली बली और यही। ओके, ये हमारी बाराक्षरी यहाँ पे तक दी गई है। ठीक है, उसके बाद यह को पूरा फिलअप करना है हमारी वर्कबुक के अंदर। ठीक है, ये जो पूरा दिया गया है पूरा हमको हमारी वर्कबुक के अंदर फिलअप करना है, जो आपको कॉलम दी गई है वो दोनों फिलअप करनी है। ठीक है, इसके बाद अई की मात्रा वाले वर्ड्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, वो हमको पढ़ना है और लिखना है। रीड एंड राइट। ओके, फर्स्ट कौन सा है? चैत्र। कौन सा है? सॉरी, चैत्र। कैसे पढ़ेंगे? चौर को दो मात्रा लगे तो चैत्र, चैत्र। ओके, नेक्स्ट वैसा, गुजराती महीने का नाम है वैसा। ओके, फिर कैलाश, एक वर्ड नेम दिया गया है।
कैलाश पर्वत भी है, पता है ना? वीर भैरव, और उसके बाद भैया, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं वो हमको हमारी वर्क ग्रुप के अंदर फिल अप करने हैं, ठीक है? देखो एक बार, फर्स्ट चैप्टर वैशाख, कैलाश, भैरव और भैया, ठीक है? ये जो शब्द दिए गए हैं वो हमारी वर्क ग्रुप के अंदर आपको लिखना है। ये आज हमको एक ही पेज फिल अप करना है हमारी वर्क ग्रुप के अंदर। क्या था? स्टेप नंबर 11, अहिली मात्रा। ओके, फर्स्ट जो पिक्चर देखी हमने वो क्या था? वीर। क्या है? वीर मतलब पैरू, ठीक है? वीर स्विमर, स्विमिंग कर रहे हैं वो, तो क्या हुआ? स्विमर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तैरा। ओके, पैरू और तैरा, इतना हो जाने के बाद ये हमको हमारी जो कॉलम दी गई है दो उसमें अंदर लिखना है पैरू और तैरा। वीर हमारी बाराक्षरी चालू है। कौन सी? बाराक्षरी। हमने लास्ट पेज पे फर्क देखा था, फिर बई बई मई यही, ठीक है? फोर वर्ड्स हमको लेने हैं, ब ब म य, ठीक है? यहाँ तक हमको लिखना है। इसके बाद ऐ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। कौन सी? ऐ की मात्रा वाले शब्द, चैत्र, वैशाख, कैलाश, भैरव और भैया, ठीक है? एक बार देखो, चैत्र, वैशाख, कैलाश, भैरव और भैया, ये हमको हमारी वर्कबुक के अंदर फिल अप करना है। ये हमारा वर्कबुक का आज का क्लास वर्क यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम हमारी क्लास वर्क की नोटबुक में देखेंगे कि हमको क्या लिखना है, ठीक है? इतना हो जाने के बाद जब अपनी क्लास वर्क की नोटबुक ओपन करेंगे लास्ट जो मैंने आपको क्लास वर्क की नोटबुक में लिखवाया था वो कहाँ तक लिखवाया था, पता है ना सबको कहाँ तक लिखवाया था? हाँ, ए और आई की मात्रा तक लिखवाया था। कहाँ से? ए और आई, जो अभी हम वर्कबुक में पढ़ रहे हैं, आई की मात्रा वाद और पाराक्षरी लिखवाई थी, ठीक है? आज हम अपनी क्लास वर्क की नोटबुक में ओ लिखेंगे। कौन सा? ओ, क्लास वर्क की नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है? ये ओनी मात्रा, कौन सी? ओनी मात्रा वाला मूलाक्षर। क्या है? मूलाक्षर मतलब बाराक्षरी, ठीक है? कौन सी मात्रा है हमारी? ओ, ठीक है? अभी हमने वर्कबुक में क्या करा? ए की मात्रा करा, पर साथ में हमको ये हमारा होमवर्क नोटबुक में लिखना है, क्लास वर्क की नोटबुक में और होमवर्क भी नोटबुक में, ठीक है? क्या आएगा? ये नोटबुक में लिखना है को, थो, इगो, 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 ठीक है? एक लाइन में से पांच अक्षर आने चाहिए, पांचों हमको लिखने हैं। पी क ख ग ग ग, को खो गो गो छो, पी ये छो, पी जो, पी से जो, पी तो और हो, ठीक है? पी दो दो तो और थो, ठीक है? एक दो दो नौ को एक नौ को ओपी मात्रा लगी तो हुआ को, ठीक है? इसी तरह ब को ओपी मात्रा लगी तो हुआ गो, फिर ब को कैसे पढ़ेंगे? गो, म को मो, यो, रो, ठीक है? फिर मो, वो, शो, सो, फिर शो, शो, सो, सी, माओ को वो, रो, शो, और दुनिया, ओके? ये जो हमारी है ये पूरी हमको नोटबुक में हमारी लिखनी है क्लास वर्क की नोटबुक के अंदर ओ की मात्रा, ठीक है? इसी तरह ओ की मात्रा
वो कैसे आएगी, यहाँ पे जो एक है उसके ऊपर हम दो मात्रा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारी औ की मात्रा हो जाएगी। ये हमको हमारे क्लास वर्क की नोटबुक में लिखना है। देखो ओली मात्रा वाला मूलाक्षर हमारी क्लास वर्क की नोटबुक में लिखना है, क्या है? ओ ओ गो गो चो छो जो जो तो हो दो फिर दो नो तो हो दो दो नो तो हो गो गो फिर नो तो मो यो रो ठीक है नो वो ये कौन सा शो है, शैनई का शो, छठम का शो, सो ससरे का वो रो श्यो न्यो ठीक है। ये जो तुम्हारी बारह चली है वो हमको हमारी क्लास वर्क की नोटबुक में लिखना है वन टाइम ठीक है। जो आज का हमारा वर्कबुक का जो था क्लास वर्क वो भी हमारा फिनिश हुआ और साथ में हमारी नोटबुक का क्लास वर्क यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके थैंक यू बाय टेक केयर।